आई थिंक हमने जो इन्विजन किया था फिल्म के लिए हम बहुत ही लकी है, बहुत ही शुक्रगुजार है कि इट्स ओपन सो वेल टुडे एंड वी आर जस्ट वेरी वेरी हैप्पी एंड गाइस प्लीज कीप गिविंग अस द लव दैट यू हैव बीन गिविंग अस. डिसअपॉइंटिंग तो नहीं है, मैं बहुत ही खुश हूँ कि इट्स बीन एक्सेप्टेड सो वेल. थैंक यू. जी 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 आई जस्ट सॉरी हाँ जी मैंने एक्चुअली फिल्म पे काम करना शुरू नहीं किया है अब तक, अभी भी ट्रेनिंग हो रहा है, लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड. आहान इज़ फैंटास्टिक एंड सो इज़ टाइगर, सो आई एम वेरी वेरी लकी. बस आई एम डिसअपॉइंटेड, मुझे बहुत एवरेज लगी. जब जैसे मैंने सोच के आया था कि मैं जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर वन देखी थी तो आई हैड वेरी हाई होप्स एंड यू नो देयर वाज सो मच हाइप एंड प्रमोशन गोइंग ऑन कि ये मूवी बहुत अच्छी होगी. इट डिसअपॉइंट्स. स्टोरी स्क्रीन प्ले बहुत ही वीक है. बीच में कबड्डी के मैचेस, बीच में कॉलेज, वो मूवी में कितना अच्छे से दिखाया था कि वो एम करता है स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए, बट ये मूवी में वो है ही नहीं. स्क्रीन प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मूवी के लिए. उसके बाद म्यूजिक, जो पीछे का सोल होता है एक रोमांटिक मूवी का, इवन दैट इज़ सो एवरेज बाय विशाल शेखर विच वी हैड नॉट एक्सपेक्टेड. वो मूवी का राधा सॉन्ग आज भी इतना बड़ा हिट है. और भी गाने उसका, हर सीन में जब आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन आते थे तो इतनी तालियाँ बजती थी और पीपल यूज टू गेट गूज़बम्प्स. वो कशिश मिसिंग है, वो सोल मिसिंग है ये मूवी में. इट डजंट कनेक्ट विद द ऑडियंस. I think the star of the movie is Tiger Shroff. Dance, acting, romance, sab mein wo bahut acche hain, action. But both the newcomers, they are very promising. They look confident. Halanki Tara, I think she can improvise. Ananya Pandey ka role acha laga mujhe because she had scope to perform. But I think screen pe bahut dheela hai, so I think usse beyond aap jayenge hi nahi. You get so disappointed and so disillusioned and so disgruntled with the script that you don't want to look beyond that. डायरेक्शन बाय पुनीत मल्होत्रा, आई थिंक उनको बहुत अच्छी चांस मिली थी. लास्ट मूवी उनकी नहीं चली थी तो आफ्टर लॉन्ग हियर्टिस ही अपियर्ड विद दिस मूवी एंड आई थिंक ही डिसअपॉइंटेड बिकॉज द पार्ट वन, व्हेन यू मेक अ सीक्वल, अभी बाहुबली का देखिए सीक्वल टू और भी अच्छा था. वेरी फ्यू सीक्वल्स आर सो अपीलिंग, विजुअली अपीलिंग बना के ग्लैमर डाल के मूवी को आप हिट नहीं बना सकते. हालांकि ग्लैमर स्टूडेंट ऑफ द ईयर में भी था पार्ट वन में, बट जिस तरह उन्होंने प्रोजेक्ट किया, जिस तरह उन्होंने पल्स को पकड़ा यूथ की, ये मूवी नहीं वो मतलब ऑडियंस के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पा रही है. जो कॉलेज क्राउड है पिक्चर देख के लोग के यू नो रोंगटे खड़े हो गए थे वो मूवी देख के, यू नो एंड एवरीबडी वाज लाइक वाव, दैट वाव फैक्टर इज मिसिंग. एक दो सॉन्ग्स अच्छे हैं जैसे हुकअप सॉन्ग है जिसमें आलिया भट्ट का कैमियो है और विल स्मिथ भी एक एक्टर है इंटरनेशनल जिनको लाया गया है, बट इट फेल्स ऑन ऑल द लेवल्स बिकॉज ऑफ वीक स्क्रीन प्ले एंड मीडियोकर म्यूजिक. तो ये दो बातों पे, बिकॉज यू आर मेकिंग ए रोमांस रोमांटिक मूवी, कॉमेडी भी डाला है बट कॉमेडी पंचेस भी इतने उभर के नहीं आए, बट म्यूजिक बहुत अच्छा होना चाहिए था और स्क्रीन प्ले, ये दो चीज़ें अगर बांध के रखती तो इट वुड हैव बीन अ वेरी गुड मूवी. क्योंकि परफॉर्मेंसेज वाइज सब ठीक है, विजुअल अपील अच्छी है, सिनेमाटोग्राफी रविचंद्रन की अच्छी है, एडिटिंग रीतेश सोनी की ठीक है. तो आई थिंक अगर अभी डायरेक्टर्स को ये सोचना है कि किस चाहिए कि स्क्रीन प्ले के ऊपर ध्यान दें, 2.5. बहुत अच्छी थी. हाँ देखिए ना, स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू. टाइगर श्रॉफ कितने अच्छे लगे आपको? बहुत अच्छे. बहुत सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा टाइगर श्रॉफ का एक्टिंग? टाइगर श्रॉफ डांस, बॉडी, ऑल थिंग, एवरीथिंग अबाउट हिम. अनन्या की एक्टिंग भी अच्छी है, लाइक उसका जो एटीट्यूड था ना वो ज्यादा वो ज्यादा अच्छा था. हुकअप 5/5. और टाइगर श्रॉफ के लिए कुछ मैसेज देना चाहिए? हां, वी लव यू सो मच एंड वी वांट टू मीट यू. या दैट्स इट. थैंक यू. आपने पिक्चर देखी? हां जी. आपको पिक्चर में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा?
सब अच्छे लगे, टाइगर श्रॉफ ज़्यादा अच्छा। सबसे अच्छा टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग लगी और अनन्या पांडे की बात करें। ओके 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 पिक्चर में जो बात करें गाने की, तो गाना कैसा लगा? गाने भी अच्छे हैं। टाइगर श्रॉफ के स्टंट को ज़्यादा अच्छा, स्टंट भी और डांस भी। डांस भी अच्छा लगा। आपने भी देखा पिक्चर? आपको कैसे लगी? बहुत अच्छी लगी। पिक्चर में सबसे खास, सबसे अच्छा क्या? सबसे खास तो मेरे को ये अच्छा लगा जब वो उसको धोखा देती है ना लास्ट में, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर बाद में लास्ट वाली को जो अपना लिया उसने। अच्छा, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, एक्टिंग भी बहुत मस्त था उनका, सब अच्छा था, अच्छा लगा। स्टोरी मेरे को अच्छी लगी सबसे खास। जी, गाना भी मस्त है।